नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल चॉइस रिफिलिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा चॉइस रिफिलिंग वापस कब तक स्टार्ट होगी और बीकानेर निर्देशालय में चॉइस रिफिलिंग को लेकर क्या कार्य चल रहा है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, क्योंकि मैं MGSS स्कूल भर्ती परीक्षा को लेकर हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको देता हूँ। बात करूँ आज की बात खबर, आप देख सकते हो आज की न्यूज़पेपर कटिंग है जिसमें उन्होंने लिख रखा है पद स्थापित नहीं करने पर मांगा जवाब। दोस्तों बता दूं राजस्थान हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में ज़्यादा अंक लाने के बाद भी याचिकाकर्ताओं को चाहे गए जिले में नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक व जिला शिक्षा अधिकारी डींग सहित अन्य से एक सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश रणजीत सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नियुक्त के लिए 10 अगस्त 2023 को आयोजित परीक्षा में भाग लिया था और ज़्यादा अंक प्राप्त किए। इसके बावजूद भी उनसे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को चाहे गए जिले आवंटित कर दिए गए और याचिकाकर्ताओं को इसमें वंचित रख गया। याचिकाओं में कहा गया कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षकों पद खाली है, लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ पर नियुक्त नहीं दिया जा रही है। वर्तमान में याचिकाकर्ताओं डार्क जोन में कार्यरत है। दोस्तों बता दूँ इनके जो याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता है राम प्रताप सिंह जी सैनी, उन्होंने कहा है कि जिनके नंबर ज़्यादा हैं उनको भी उनकी चॉइस अलॉट नहीं हुई है, साथ साथ में जहाँ पे पद खाली है वहाँ पे भी उनको चॉइस, अगर किसी कैंडिडेट ने चॉइस अलॉट की है और पद वहाँ पे खाली है लेकिन वहाँ पे उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है, डार्क जोन में ज्वाइनिंग दे रहे हैं। दोस्तों हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है, एक हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा अपडेट होगा चॉइस रिफिलिंग को लेकर। आप चैनल पर जुड़े रहे, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी चॉइस रिफिलिंग को लेकर मैं आपको सबसे पहले मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू वेरी मच।